हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे हैं. ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल. आज हम कूलम्स लॉ स्टार्ट करने जा रहे हैं. हमने चैप्टर नंबर 1 में पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, और आज उस इंट्रोडक्शन को हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं. आज हम लोग कूलम्स लॉ पढ़ेंगे. देखिए, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि अगर हमारे पास बेसिकली दो तरीके के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज, ये दो तरीके के चार्जेस हैं. और ये दो तरीके के चार्जेस अगर इन्हें एक दूसरे के पास लेकर आया जाए तब ये अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं. अगर सेम नेचर के चार्जेस को हम एक दूसरे के पास लेकर आते हैं तब वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अगर ऑपोजिट नेचर के चार्ज को अगर हम एक दूसरे के पास लेकर आए तब वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. सो दैट मीन्स कि ये जो अट्रैक्शन और रिपल्शन की बात मैंने पिछले क्लास में की थी कि सेम नेचर के चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे और ऑपोजिट नेचर के चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यहां पर जो अट्रैक्शन और रिपल्शन जो मैं कह रहा था, बेसिकली वो अट्रैक्शन और रिपल्शन एक फोर्स को इंडिकेट करता है. तो आई होप आप इस बात को समझ पा रहे हो कि दो सेम नेचर के चार्जेस को जब हम एक दूसरे के पास लेकर आएंगे तब वो एक दूसरे पर फोर्स कुछ इस तरीके से लगाएंगे एज इफ वो एक दूसरे को दूर भेजना चाहते हो, और ऑपोजिट नेचर के चार्जेस को लेकर आएंगे तब वो फोर्स कुछ इस तरीके से लगाएंगे एज इफ वो एक दूसरे को पास लाना चाहते हो. तो इन्हीं चार्जेस जब एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, यानी कि चार्जेस जब एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, तब उनके इंटरैक्शन का जो लॉ है उसे हम लोग कूलम्स लॉ कहते हैं. सो कूलम्स लॉ हमें क्या कहता है? सो कूलम्स लॉ, सबसे पहली बात तो कि फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट कूलम्स लॉ इज वैलिड, इट इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस. तो कूलम्स लॉ किस तरीके के चार्जेस के लिए वैलिड है? पॉइंट चार्जेस. तो पॉइंट चार्जेस क्या है, सबसे पहले हम इस बात को समझ लेते हैं. देखिए, सपोज करें कि आपके पास ये दो चार्जेस, ये एक चार्ज सपोज करें कि ये Q1 है और एक चार्ज सपोज करें कि ये Q2 है. अब आप समझ रहे हो कि पॉइंट चार्ज का मतलब है कि दो चार्जेस जो कि बिल्कुल पॉइंट समान, पॉइंट जितने बड़े हों, अगर इस तरीके के दो चार्जेस आपको दिए जाएं तो आप उन चार्जेस को पॉइंट चार्जेस कंसिडर करोगे. लेकिन ऐसा होता नहीं है. एक्चुअल में बड़े बड़े जो चार्जेस होते हैं उन चार्जेस को भी हम लोग पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं. किस तरीके से, जरा समझते हैं कि पॉइंट चार्ज का कॉन्सेप्ट क्या है. देखिए, अगर मैंने कहा कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक Q1 है और एक Q2 है, ये दोनों चार्जेस साइज में तो बड़े लग रहे हैं, पॉइंट के जितने पॉइंट समान नहीं लग रहे हैं, लेकिन फिर भी इन दोनों चार्जेस को एक कंडीशन में पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट किया जा सकता है. अब क्या है वो कंडीशन? तो देखिए, अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं और इन दोनों चार्जेस के सेंटर के बीच की जो दूरी, अगर सपोज करो कि मैं उस दूरी को डी कह दे रहा हूं, और ये इस चार्ज का रेडियस है स्मॉल r1 और इस चार्ज का रेडियस है स्मॉल r2. सो इन केस अगर ये जो डी है, यानी इन दोनों चार्जेस के बीच की, सेंटर के बीच की जो दूरी है, अगर वो डिस्टेंस जो Q1 चार्ज का जो रेडियस है R1 इसके कंपैरिजन में बहुत बड़ा, और यही डिस्टेंस अगर इस Q2 चार्ज के रेडियस R2 के कंपैरिजन में बहुत बड़ा हो, तो उस सिचुएशन में हम क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 Q2 जिनका रेडियस यानी जिनका साइज R1 और R2 है, और इन दोनों चार्जेस के सेंटर के बीच की दूरी है स्मॉल d. इन केस अगर इन दोनों चार्जेस के सेंटर के बीच की दूरी स्मॉल डी, अगर इन दोनों डिस्टेंसेस R1 और R2 के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, यानी ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है और इनका खुद का साइज बहुत कम है, उस सिचुएशन में हम इन चार्जेस को पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करते हैं. जैसे आप इसको इमेजिन कर सकते हैं कि हमारे पास दो इतने बड़े बड़े चार्जेस हैं और मैं और आप, हम दोनों एक दूसरे से 100 मीटर की दूरी पर खड़े हैं, और मेरे हाथ में ये Q1 चार्ज है और आपके हाथ में ये Q2 चार्ज है. इतनी दूरी से जब आप इस छोटे से चार्ज को मेरे हाथ में देखोगे तो आपको ये चार्ज एक बहुत छोटा पॉइंट समान आपको नजर आएगा. ये ऐसा करें कि आप 1 किलोमीटर दूर चले जाएं और फिर इस छोटे से चार्ज को जो मेरे हाथ में उसे आप देखें, तो आपको उतनी दूरी से ये चार्ज बहुत छोटा नजर आएगा.
क्यों? क्योंकि आपने अपने हाथ में जो चार्ज ले रखा है और मैंने जो अपने हाथ में चार्ज ले रखा है, इनके बीच की दूरी बहुत ज्यादा है। वैसे ही जब मैं आपके हाथ में जो चार्ज है उसे देखूंगा, तो उस कंडीशन में मुझे आपके हाथ में जो चार्ज है वो बहुत छोटा नजर आएगा, सो एज अ रिजल्ट वो पॉइंट चार्ज। लेकिन जैसे ही आप मेरे पास आ जाते हो, हम दोनों आसपास खड़े हैं और हाथ में चार्ज लिए हुए हैं, अब जब हम एक दूसरे के चार्ज को देखेंगे तो उसमें हमें वो चार्ज एक फाइनाइट साइज का नजर आएगा, उस कंडीशन में हम उस चार्ज को पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। सो आई होप कि आपको पॉइंट चार्ज का कॉन्सेप्ट पता चल गया। पॉइंट चार्ज क्या है कि इफ दी, मैं लिख दे रहा हूं आप इसको नोट कर लें, इफ दी डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू चार्जेस, दोनों चार्जेस के सेंटर के बीच की बात कर रहे हैं, इफ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू चार्जेस इज मच ग्रेटर देन देयर साइज, अगर इन दो चार्जेस के बीच की जो दूरी है वो दूरी, इनके सेंटर के बीच की जो दूरी है इनके खुद के साइज के कंपैरिजन में अगर बहुत ज्यादा है, देन दीज चार्जेस are called point charges. So ये जो कूलम्स लॉ हमारा है, this कूलम्स लॉ is only and only valid जब तक हम point charges को study कर रहे हैं। So पहली बात तो ये कूलम्स लॉ की validity सिर्फ और सिर्फ point charge के लिए। Second thing के कूलम्स लॉ is valid only for two charges at a time. अगर हम एक वक्त में सिर्फ दो charges consider कर रहे हैं, तब उन दो charges के बीच में जो force है, उस force के लिए Coulomb's law हमारा valid होता है। तो हम लोग Coulomb's law start करते हैं। Coulomb's law के लिए दो condition हमने देखा। सबसे पहली बात तो ये Coulomb's law सिर्फ और सिर्फ point charges के लिए valid है। दूसरी बात, Coulomb's law जो है वो एक बार में सिर्फ दो charges के बीच के force को, interaction को निकालने के लिए valid होता है। और point charge हमारा क्या होता है? अगर दो charges के center के बीच की जो दूरी है, वो उसके खुद के size के comparison में बहुत ज़्यादा, वो दूरी अगर बहुत ज़्यादा है, तो उस case में उन charges को हम लोग पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं। सो नाउ आई होप आप इसको नोट डाउन कर ले रहे हैं। अब मैं इसे मिटा रहा हूं और उसके बाद हम जरा कूलम्स लॉ को देखते हैं क्या है। सो कंसीडर करें कि हमारे पास दो चार्जेस, लेट अस सपोज कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, मैं आप छोटे छोटे पॉइंट चार्जेस बना रहा हूं। कंसीडर करें कि हमारे पास एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2। आप चाहें तो इसे बड़ा बड़ा सर्कल भी बना सकते हैं जैसा हमने बनाया था। तो हम कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं Q1 और Q2, और इन दोनों चार्जेस के बीच की जो दूरी है उसे मैं स्मॉल डी कह दे रहा हूं। तो कूलम ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये ऑब्जर्व किया कि जब आप दो चार्जेस को एक दूसरे के पास लाकर रखेंगे, तब ये दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर कुछ फोर्स एग्जर्ट करते हैं। और जो फोर्स ये चार्जेस एग्जर्ट कर रहे हैं, सबसे पहली बात कि दिस फोर्स is directly proportional to the product of their charges, यानी ये दोनों charges, इन दोनों charges से कुछ ना कुछ value होगी, उसका जो product है, इनकी values का जो product है, उस product के directly proportional है ये force, यानी इनका product अगर ज़्यादा आया, then यानी कि एक दूसरे के ऊपर ज़्यादा force लगाएंगे, और अगर product कम आ रहा है, तब एक दूसरे के ऊपर कम force लगाएंगे, so that means that this force is directly proportional to product of the charges, और यही force, second point, same force इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कि डायरेक्टली जब मैंने बोला तो मैं न्यूमरेटर में लिख रहा हूं और इनवर्सली जब मैं कह रहा हूं तो मैं इसे डिनोमिनेटर में लिख रहा हूं। द सेम फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, इन दोनों चार्जेस के सेंटर के बीच की जो दूरी है उस
डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल. सो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर. सो आई होप इट इज क्लियर. अगर मैं इसे इक्वेशन नंबर वन कह दू और इसे इक्वेशन नंबर टू कह दू, कूलम ने ऑब्जर्व किया कि अगर हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं Q1 Q2 जिनके सेंटर के बीच की दूरी स्मॉल d, तब ये दोनों चार्जेस पॉइंट चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, जो फोर्स इनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इनके स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. तो अगर हम कंबाइन कर लें, कंबाइनिंग वन एंड टू, अगर हम वन और टू दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दें तो आपका निकल कर आएगा कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर. Q1 Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डी स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल. अब फिजिक्स में हम कभी भी किसी प्रोपोर्शनैलिटी साइन को तो रखते नहीं है, सो देयरफॉर हम इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएंगे. और जैसे ही आप इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हो तो यहां पर एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा. मैं इस कांस्टेंट को k लिख रहा हूं, सो k इनटू Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर, जहां ये k जो हमारा है ये k कांस्टेंट है. K एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 9×10⁻¹ एंड व्हाट विल बी इट्स यूनिट. देखिए K को छोड़कर और बाकी सारे चीजों को आप इस साइड ले आए तो फोर्स तो पहले से ही था, ये d स्क्वायर इधर आएगा तब मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, और जब Q1 Q2 इधर आएगा तब ये डिवीजन में हो जाएगा. सो देयरफॉर फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन, d स्क्वायर यानी डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस मीटर होता है तो मीटर स्क्वायर, और चार्ज की ऐसा यूनिट कूलम है, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था. तो कूलम और कूलम ये हो गया हमारा कूलम स्क्वायर. सो देयरफॉर जो के की वैल्यू है दिस बिकम्स इक्वल्स टू 9×10⁻¹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. सो ये जो के हमारा है ये कोई यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है. जैसे ग्रेविटेशन में आपने पढ़ा था कि जो कैपिटल जी हम लिखते हैं वो यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है. आप अर्थ पे रहें, मून पे रहें, मार्स पे रहें या आउटर स्पेस में रहें, कहीं भी आप रहें, कैपिटल जी की वैल्यू वहां कांस्टेंट होती थी. लेकिन यहां पर जो के हमारा आ रहा है, दिस के इज नॉट अ यूनिवर्सल कांस्टेंट. ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं, एक कांस्टेंट है. यानी कि अगर ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, दिस मींस दैट के डिपेंड्स अपॉन समथिंग. और के जो हमारा है K depends upon the nature of medium. K depends upon the nature of medium. आप सोच रहे हो कि nature of medium का मतलब क्या होगा? मतलब कि जिस medium में आप force की बात कर रहे हैं, उस medium की electric property क्या है? जैसे vacuum में अगर आप हैं, तो दो charges के बीच में कुछ भी present नहीं है, खाली empty space है. तब वहाँ पर वो charges अलग तरीके से एक दूसरे पर force लगाएंगे, interact करेंगे. अगर आप उसी को आप वाटर में ले जाकर रख देते हैं तब उनके बीच में एक मीडियम आ जा रहा है. अब जो बीच में जो मीडियम प्रेजेंट है, उस मीडियम का नेचर क्या है, यानी कितना अलाउ कर रहा है ये इन दोनों चार्जेस को एक दूसरे से इंटरैक्ट करने में. सो देयरफॉर वहां पर के की वैल्यू कुछ और होगी, इसीलिए फोर्स की वैल्यू भी कुछ और होगी. सो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है. आप प्लीज इसे नोट डाउन कर लें, इसके बाद फिर हम लोग इसके आगे कंटिन्यू. तो अभी तक हमने दो पॉइंट्स देखे कूलम्स लॉ में, जहां हमने देखा कि ये दो चार्जेस एक दूसरे के ऊपर किस तरीके से फोर्स लगाते हैं. अब सवाल ये उठता है कि अगर ये फोर्स लगा रहे हैं तब किसी न किसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, क्योंकि आपने क्लास 11th में पढ़ा है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है. जब वेक्टर क्वांटिटी है दैट मींस इट विल बी हैविंग सम डायरेक्शन. तो भाई आखिरकार किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, यानी अगर Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगा रहा है तब किस डायरेक्शन में लगाएगा, अगर Q2 Q1 के ऊपर फोर्स लगा रहा है देन इन व्हिच डायरेक्शन विल इट एग्जर्ट फोर्स. तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स जरा देखते हैं. तो ये कूलम ने ये भी कहा कि अगर आप ये दो पॉइंट चार्जेस ले रहे हैं और इन दोनों पॉइंट चार्जेस के सेंटर को आप एक स्ट्रेट लाइन से अगर ज्वाइन कर देते हैं और इसी स्ट्रेट लाइन को आप आगे और पीछे की तरफ अगर एक्सटेंड कर देते हैं, तो उस कंडीशन में ये जो हमारा फोर्स है Q1 की वजह से Q2 के ऊपर फोर्स है
वो हमेशा या Q2 की वजह से Q1 के ऊपर जो फोर्स है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स एग्जर्ट करें उस फोर्स की डायरेक्शन हमेशा इसी लाइन के अलोंग होनी चाहिए। यानी ये Q1 अगर Q2 को रिपेल करेगा तब इस लाइन के अलोंग इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, और अगर ये Q1 Q2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तब ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। और इस तरीके से Q2 अगर Q1 को रिपेल करेगा, धक्का देगा बाहर की तरफ तो इस डायरेक्शन में, और अट्रैक्ट करेगा तब इस डायरेक्शन में। सो आई होप कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स मैं लिख दे रहा हूं, आप इसे नोट कर लें। दिस फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन joining center of two charges. Alright, clear है बात कि ये force हमेशा, यानी कि ये charge इस charge के ऊपर कभी भी इस direction में force नहीं लगाएगा, कभी इस direction में force नहीं लगाएगा, इस direction में, इन सारे directions में जो forces हैं वो आपके act नहीं करेंगे। आप इस point को note कर लें। अब जरा फोर्थ पॉइंट नोट कर लेते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि फोर्स हमारा होता है के इनटू Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर, जहां के एक कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट मीडियम के ऊपर डिपेंड करते हैं। यानी अगर कोई भी चीज मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि मीडियम की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होती होगी जिसकी वजह से मीडियम को आपने बदला, अगले मीडियम में कुछ और प्रॉपर्टी है उसकी, इस वजह से उसकी वैल्यू चेंज हो जा रही है। सो देयरफॉर कूलम ने जब अपने पूरे कैलकुलेशन में फाइंड आउट किया, सो ही फाउंड दैट जो हमारा ये के है, दिस के इज इक्वल्स टू 1/4πε0। इसे हम लोग ε0 बोलते हैं, ε0। तो ये ε0 जो है, इसे हम लोग परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं। ये हम लोग ε0 इसे प्रोनाउंस करते हैं ε0, और यहां पर जो ε0 हमारा है, इसे हम लोग परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यानी ये जो ε0 की वैल्यू मैं बता रहा हूं, ये मैं आपको एक फ्री स्पेस में, वैक्यूम की बात कर रहा हूं, वैक्यूम में मैं आपको ये वैल्यू सजेस्ट कर रहा हूं। अगर आप मीडियम को चेंज कर देते हैं तो किसी और मीडियम में इसकी वैल्यू कुछ और हो जाएगी, ये हम लोग सेकंड चैप्टर में देखेंगे। सो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ ε0 इज इक्वल्स टू 8.85 × 10⁻²⁻¹². और इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए, के की ε0 को हम क्या लिख सकते हैं, ε0 को हम लिख सकते हैं इक्वल्स टू 1/4πK। 4π को यूनिट है नहीं, के डिनोमिनेटर में है, इसलिए जो भी k की यूनिट है ε0 की यूनिट ठीक उसके ऑपोजिट होनी चाहिए, यानी कि कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। सो ये बेसिकली ε0 क्या है कि भाई फ्री स्पेस में, यानी वैक्यूम में दो चार्जेस एक दूसरे के ऊपर जब इंटरैक्ट कर रहे हैं, तब वहां का जो मीडियम है वो मीडियम किस तरीके से इन दो चार्जेस को एक दूसरे से इंटरैक्ट करने दे रहा है, उसके बेसिस पर ये ε0 की वैल्यू आ रही है वैक्यूम में 8.85 × 10⁻²। वाटर में आप जाएंगे इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, अगर आप एयर में जाते हैं इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट इतनी ही है, अगर आप किसी लिक्विड दूसरे लिक्विड में जाते हैं इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इसी वैल्यू के चेंज होने की वजह से के की वैल्यू चेंज हो जाती है। ओके, तो ये हमारा कूलम्स लॉ था। लेकिन अभी देखिए, आप नोट करें कि कूलम्स लॉ को हमने अभी तक सिर्फ स्केलर फॉर्म में पढ़ा है। यहां पर आप k एक मैग्नीट्यूड है, q1 q2 सिर्फ नंबर्स हैं, d भी मैग्नीट्यूड है, ये पूरा एक मैग्नीट्यूड है। अभी तक हमने कूलम्स लॉ को सिर्फ स्केलर फॉर्म में डिफाइन किया है, लेकिन एक्चुअली में फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो देयरफॉर अब हमें जरूरत है कि हम इस फोर्स को एक वेक्टर फॉर्म में डिफाइन करें। तो वेक्टर फॉर्म में हम इस फोर्स को डिफाइन करते हैं। वेक्टर फॉर्म में डिफाइन करने के लिए फिर से वही चीज हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं, एक पॉइंट चार्ज Q1 और एक पॉइंट चार्ज Q2। हम कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं Q1 एंड Q2,
और ये दो पॉइंट चार्जेस एक दूसरे से, लेट अस से के स्मॉल डी डिस्टेंस से सेपरेटेड, ऑलराइट, या इनफैक्ट हम यहां पर यूनिट वेक्टर की बात करेंगे, मैं इसे स्मॉल आर डिस्टेंस से सेपरेट कर रहा हूं, ऑलराइट। सो अब नोटिस करें कि इसी लाइन को अगर मैं आगे और पीछे एक्सटेंड कर दूं, तो ये Q1 चार्ज इस Q2 चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रहा है, सो देयरफॉर आई एम गोइंग टू राइट फोर्स ऑन Q2, Q2 चार्ज के ऊपर फोर्स लग रहा है, किसकी वजह से फोर्स लग रहा है, Q1 की वजह से फोर्स लग रहा है, सो फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने कंसीडर किया है कि हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं Q1 Q2 जिनके सेंटर के बीच की दूरी है स्मॉल r, और यहां पर Q2 चार्ज के ऊपर Q1 चार्ज की वजह से जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। मैंने लिखा फोर्स ऑन Q2, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, इसे सिंबॉलिकली हम लिखेंगे फोर्स ऑन Q2, ये सबस्क्रिप्ट में मैं लिख रहा हूं, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। सो देयरफॉर कूलम के अकॉर्डिंग जो फोर्स है ये हमारा होना चाहिए इक्वल्स टू के इनटू इन दोनों चार्जेस के बीच का प्रोडक्ट अपॉन इनके बीच सेंटर के बीच की जो दूरी है उसका स्क्वायर। लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूं आपसे फोर्स एज अ वेक्टर, मैंने ऊपर एरो लगा दिया, ये वेक्टर का साइन है, सो फोर्स एज अ वेक्टर। और जब हम वेक्टर की बात करते हैं तो हमारे पास वेक्टर क्या होता है, वेक्टर इज अ प्रोडक्ट ऑफ एक स्केलर नंबर यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो हमने यहां पर लिख दिया है, लेकिन साथ ही साथ हम जानना चाहते हैं कि इस फोर्स के ऊपर, इस चार्ज के ऊपर जो ये फोर्स लग रहा है इस फोर्स की डायरेक्शन क्या है। सो देयरफॉर Q1 की वजह से Q2 के ऊपर डायरेक्शन हम जानना चाहते हैं, सिमिलरली Q2 के वजह से Q1 पर डायरेक्शन जानेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, मैं यूनिट वेक्टर डिफाइन कर रहा हूं। आपने क्लास 11th में चैप्टर 4th में पढ़ा था कि यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो कि किसी डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो मैं डिफाइन देखिए Q1 Q2 के बीच में ये डिस्टेंस है r, Q1 से Q2 की तरफ ये जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन को मैं कह दे रहा हूं r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, इसे मैं कह दे रहा हूं r21 कैप, ये हमारा यूनिट वेक्टर हो गया। क्या मैंने किया है, देखिए Q1 से Q2 की तरफ जब हम जाएंगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, इसे मिटा देता हूं, Q1 से Q2 की तरफ जब हम जाएंगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, आप Q1 से चल रहे हैं Q2 की तरफ, तो Q2 फाइनल पोजीशन, Q1 इनिशियल पोजीशन, तो ये आपका हो जाएगा r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, और ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इसे मैं कह दे रहा हूं r21 वेक्टर, ऑलराइट। और इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के अलावा जो डायरेक्शन हमारा है, इस डायरेक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग जो यूनिट वेक्टर है उस यूनिट वेक्टर को मैं लिख रहा हूं r21 कैप। और आपने क्लास 11th में पढ़ा था कि यूनिट वेक्टर हमारा क्या होता है, यूनिट वेक्टर हमारा होता है जो वेक्टर हमारा है डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, और इन दोनों के बीच में जो मैग्नीट्यूड है डिस्टेंस है वो किसके बराबर, r के बराबर है। सो देयरफॉर r21 अपॉन r, ये हमारा r21 कैप हो गया जो कि डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है। सो देयरफॉर उसी तरीके से इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर हमारा आएगा वो हमारा हो जाएगा r12 कैप। तो अब हमने दोनों डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर डिफाइन कर लिया, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हमारा है r21 कैप और इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है r12 कैप। सपोज कर लो फिलहाल के लिए कि हमने जो दोनों चार्जेस कंसीडर कर रखे हैं वो पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो Q1 Q2 को बाहर की तरफ धक्का देगा यानी इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, और इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर हमारा है वो है r21 कैप। सो देयरफॉर डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए हम लिखेंगे r21 कैप। उसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, यानी अब हम Q1 के ऊपर फोर्स निकालना चाहते हैं, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, ये फोर्स हमारा क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और Q1 पर Q2 की वजह से फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है वो हमारा है R12 कैप। सो देयरफॉर इस तरीके से आप वेक्टर फॉर्म में फोर्सेस को लिखेंगे,
लेकिन अब हम जानना चाहते हैं कि इन दोनों फोर्सेस के बीच में क्या कोई रिलेशन है। यानी हमने कंसीडर किया था कि हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं Q1 Q2 जिनके सेंटर के बीच की दूरी है स्मॉल r, और Q1 Q2 के ऊपर और Q2 Q1 के ऊपर एक फोर्स लगा रहे हैं। उस फोर्स को हमने वेक्टर फॉर्म में कैलकुलेट किया। स्केलर नंबर मैग्नीट्यूड हम पहले निकाल चुके थे। हमने इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर डिफाइन किया R21 कैप, और इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर डिफाइन किया R12 कैप, और डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हमने यहां पर उस यूनिट वेक्टर को लिख दिया। अब एक चीज नोटिस करने वाली बात है कि R21 कैप जो हमारा है वो इस डायरेक्शन में है, और R12 कैप जो हमारा है वो इस डायरेक्शन में है। यानी दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं, और यूनिट वेक्टर क्या है, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। यानी इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसका मतलब कि ये दो वेक्टर्स ऐसे यूनिट वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम है, बस डायरेक्शन ऑपोजिट है, एक दूसरे के ठीक ऑपोजिट। सो देयरफॉर इनके बीच में हम एक रिलेशन लिख सकते हैं कि R21 कैप यानी इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, ये मैग्नीट्यूड में तो R12 कैप के बराबर है, लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट है। सो देयरफॉर ये हमारा एक रिलेशन निकल कर आ रहा है, R21 कैप इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ R12 कैप। एंड व्हाट अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज वेक्टर्स, यानी इन दोनों के बीच में जो R2 माइनस R1 वेक्टर है इस डायरेक्शन में, और वैसे इस डायरेक्शन में वेक्टर क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। इन दोनों वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होगा। देखें, यहां से यहां तक का वेक्टर अगर आप देखें तो उसकी भी लेंथ ये स्मॉल r के बराबर है, और यहां से यहां का वेक्टर अगर आप देखें तो उसका भी मैग्नीट्यूड स्मॉल r के बराबर है। तो R2 माइनस R1 वेक्टर को मैंने लिखा है R21, और R1 माइनस R2 वेक्टर को मैं लिख ले रहा हूं R12 वेक्टर। सो देयरफॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ R21 वेक्टर इज इक्वल्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ R12 वेक्टर, और ये दोनों स्मॉल r के बराबर है। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज इन दोनों वेक्टर्स के बीच में हम एक रिलेशन फाइंड करने जा रहे हैं, और वो रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे, तो मैं पहले लिख रहा हूं F21 वेक्टर। ये F21 वेक्टर हमारा किसके बराबर है, तो F21 वेक्टर हमारा इक्वल्स टू k Q1 Q2 अपॉन R² इनटू R21 कैप। और अब मैं जरा चेंज करता हूं, मैं लिखता हूं k Q1 Q2 अपॉन, देखिए r तो एक्चुअली में R21 जो है ये डिस्टेंस, इसकी जगह मैंने r लिखा है, और R12 की जगह भी मैंने r लिखा है, तो ये हमारा हो जाएगा R², और R21 कैप को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ R12 कैप, तो ये हमारा हो जाएगा यहां पर इक्वल्स टू माइनस ऑफ R12 कैप। और इसे अगर मैं लिखूं तो माइनस साइन मैं बाहर ले जा रहा हूं, और ये मेरा हो जाएगा k Q1 Q2 अपॉन R² इंटू R12 कैप। और ब्रैकेट में जो टर्म हमारा है वो एक्चुअली में आप देखेंगे तो ये टर्म हमारा F12 वेक्टर है। सो देयरफॉर ऊपर हमारा हो गया F21 वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस साइन बाहर है, और ब्रैकेट में जो टर्म है वो है F12 वेक्टर। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारा निकल कर आ रहा है, इस रिजल्ट को मैं इक्वेशन नंबर 3 कह रहा हूं। और अगर आप इक्वेशन नंबर 3 पे फोकस करें तो ये इक्वेशन क्या कह रहा है कि फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 इज इक्वल एंड ऑपोजिट, इक्वल एंड ऑपोजिट टू फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। यानी Q1 Q2 के ऊपर जितना फोर्स लगा रहा है, Q2 पलट कर Q1 के ऊपर उतना ही फोर्स लगा रहा है मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट है। और यही तो हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स। यानी कूलम्स लॉ न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को सेटिस्फाई करता है वेक्टोरियली। सो देयरफॉर ये लॉ हमारा एक प्रूवन लॉ हो गया। आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर लें, और उसके बाद फिर हम इस टॉपिक पे एक दो न्यूमेरिकल्स करेंगे। इसको एक बार नोट करके और अच्छे से रिवाइज कर लेंगे इसको, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल जो हम करने जा रहे हैं, उस न्यूमेरिकल को करने के लिए एक छोटा सा पॉइंट है, इस पॉइंट को भी जरा समझ लें, बिल्कुल इस क्वेश्चन से ही जुड़ा हुआ है।
उसके बाद फिर आपको आसानी होगी इसको समझने में। तो देखिए, एक तो हमने कूलम्स लॉ देखा। कूलम्स लॉ क्या है? दो पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स। और आप क्लास 11th में ग्रेविटेशन आपने पढ़ा था, दो पॉइंट मासेस के बीच में फोर्स। तो कूलम्स लॉ की अगर हम बात करें तो दो पॉइंट चार्जेस के बीच का जो फोर्स है वो हमारा आता है इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। आप आर लिखें या डी लिखें आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप डिस्टेंस क्या लेना चाहते हैं। यहां पर मैंने आर लिया है। और वैसे ही अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स देखें, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा था इक्वल्स टू के, सॉरी ये दो मासेस के बीच में फोर्स होते हैं, सो देयरफॉर इट वाज इक्वल्स टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। ये दोनों फोर्सेस, इन दोनों फोर्सेस में कुछ सिमिलैरिटीज हैं और कुछ डिफरेंसेस हैं। ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसलिए मैं इसे एफ ई सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है इसलिए मैं इसे एफ जी सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। सो आप नोटिस करें इन दोनों फोर्सेस में सिमिलैरिटी क्या है। पहले हम जरा सिमिलैरिटी पर ध्यान देते हैं। इन दोनों फोर्सेस के बीच की जो पहली सिमिलैरिटी है वो ये है कि ये दोनों बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर ऑन विच दे डिपेंड। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स किसके किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है? चार्ज फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। सो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ग्रेविटेशनल फोर्स किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है? मासेस के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और ये मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये एक सिमिलैरिटी है। सेकेंड सिमिलैरिटी ये है कि बोथ, आप मेरे हिसाब से आप समझ रहे होंगे इस इक्वेशन को देखकर, कि बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। दोनों डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अच्छा, अब जरा एक चीज देख लीजिए। इन केस अगर ये दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट ज्यादा होता है, देखिए एक चार्ज किसी एक चार्ज की वैल्यू कितनी है इसके ऊपर कोई बहस नहीं है। बात ये समझने वाली है कि दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट मिलाकर कितना है। इसका सपोज करें इसकी वैल्यू 100 है और इसकी वैल्यू जो है वो 1 है, तो इनका प्रोडक्ट 100 हो गया। और इसकी वैल्यू अगर 100 है, इसकी वैल्यू 10 है, तो प्रोडक्ट हो गया 1000। तो 1000 ज्यादा है, उस केस में ज्यादा फोर्स लगेगा। क्यों? दोनों, ये तो भाई 100 दोनों केस में है, ये 1 है तो ये छोटा चार्ज है इसलिए कम इंटरेक्शन है, और ये 10 हो गया बड़ा चार्ज है, दोनों का प्रोडक्ट ज्यादा हो गया, इंटरेक्शन ज्यादा हो गया। सो देयरफॉर पहली बात जो समझने वाली है वो ये है कि ये दोनों चार्जेस का जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फोर्स, और इन दोनों मासेस का जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर डिपेंड करता है ग्रेविटेशनल फोर्स, और दोनों चार्जेस के सेंटर के बीच में कितनी दूरी है उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहां पर दोनों मासेस के सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो चार्जेस का प्रोडक्ट आप बढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ेगा, मासेस का प्रोडक्ट आप बढ़ाएंगे ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ेगा। अगर दोनों चार्जेस के बीच की जो दूरी है उस डिस्टेंस को आप अगर ज्यादा करेंगे तो फोर्स कम होगा, और अगर इसे कम करेंगे तो फोर्स ज्यादा होगा। यानी आपने ज्यादा कर दिया, यानी दोनों चार्जेस को आप दूर ले जा रहे हैं। तो जब दूर ले जाएंगे तब एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन उनका कम हो जाएगा ना। आपका एक फ्रेंड अगर सपोज करें कि आपके साथ क्लासरूम में बिल्कुल आपके साथ वाली सीट में बैठते हैं तो आप लोग ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं, और एक फ्रेंड अगर दूसरे कॉर्नर में बैठा हो तो उससे इंटरेक्शन कम हो जाता है। तो वैसे ये दोनों चार्जेस जब नजदीक होंगे यानी डिस्टेंस अगर कम होगा तो फोर्स ज्यादा होगा, इंटरेक्शन ज्यादा होगा, और अगर ये दोनों चार्जेस दूर होंगे तो डिस्टेंस ज्यादा है इसलिए इंटरेक्शन कम, फोर्स कम।
ऑल राइट, तो मेरा एक क्वेश्चन है, सबसे पहली बात सपोज करें कि अगर मैं इस डिस्टेंस को, अगर मैं इस डिस्टेंस को डबल कर देता हूं, अगर मैं इस डिस्टेंस को डबल कर देता हूं, तब जो फोर्स है क्या होगा? डबल करने का मतलब मैंने बढ़ा दिया। अच्छा, बढ़ाने पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसलिए फोर्स कम हो जाएगा। कितने टाइम्स कम होगा? तो देखिए, अभी फिलहाल सपोज करें, एग्जांपल लें कि अभी फिलहाल डिस्टेंस जो है स्टार्टिंग में वो 1 यूनिट था, ऑलराइट, 1 यूनिट। तब आपने फोर्स कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, कितना फोर्स आ जाएगा? फोर्स आ जाएगा के क्यू वन क्यू टू, और ये चूंकि 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, इसलिए के क्यू वन क्यू टू। अब नेक्स्ट केस में आपने डिस्टेंस को डबल कर दिया, यानी डिस्टेंस को आपने 2 यूनिट कर दिया, तो डिस्टेंस को 2 यूनिट करने पर क्या हो जाएगा? ऊपर तो आपका के क्यू वन क्यू टू ही रहेगा, लेकिन डिस्टेंस आपने डबल किया, यहां पर आप अब 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर यानी कि 4, तो अपॉन 4, दैट मींस के फोर्स जो आपका है वो 1/4 टाइम्स, ये ब्रैकेट का जो टर्म है इसे मैं एफ कह रहा हूं, इसे मैं एफ प्राइम कह रहा हूं, सो 1/4 टाइम्स एफ। तो डिस्टेंस को अगर आप डबल करते हैं, फोर्स 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, वैसे ही डिस्टेंस को अगर आप ट्रिपल कर देंगे तो 3 का स्क्वायर 9 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा फोर्स। अगर डिस्टेंस को आप 10 टाइम्स बढ़ा देंगे तो 10 का स्क्वायर 100, यानी 100 टाइम्स फोर्स डिक्रीज हो जाना चाहिए। वैसे ही अगर आप डिस्टेंस को हाफ कर देते हैं, तो हाफ करने पर क्या होगा? आर की जगह पहले आर 1 था, अब 1/2 हो जाएगा, यानी 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4, और नीचे जो 4 है वो ऊपर मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, फोर्स 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, उसी तरीके से आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर मैं एक चार्ज की वैल्यू को हाफ कर देता हूं तो क्या होगा, दोनों चार्जेस की वैल्यू को हाफ कर देता हूं तो क्या होगा, एक की वैल्यू को डबल कर देता हूं, एक की वैल्यू को ट्रिपल कर देता हूं तो क्या होगा? तो आप सिंपली आप प्रोडक्ट ले लेंगे। कह रहा है, अगर क्वेश्चन कह रहा है कि Q1 की वैल्यू को हाफ कर देते हैं, तो पहले Q1 Q2 था, अब Q1 की वैल्यू को हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा? Q1/2, पहले था प्रोडक्ट Q1 × Q2, ऑलराइट, अब कह रहा है कि Q1 की वैल्यू को हाफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा? Q1/2 × Q2, यानी कि हो गया Q1 Q2/2, तो प्रोडक्ट हाफ हो गया। अब चूंकि प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो फोर्स भी हाफ हो जाना चाहिए। अगर इसको हाफ करते हैं, इसको भी हाफ करते हैं, तो हाफ और हाफ मीन्स 1/4 हो जाना चाहिए। इसको डबल और इसको ट्रिपल करेंगे तो इसको डबल इसको ट्रिपल 2 × 3, 6 टाइम्स फोर्स इंक्रीज हो जाना चाहिए। तो इस तरीके से आप कुछ नंबर्स खुद से अपने दिमाग में रखकर और एक बार खुद को क्वेश्चन करें कि अगर फोर्स इतने टाइम्स इंक्रीज कर देते हैं तो क्या होगा, अगर चार्जेस को इतने टाइम्स इंक्रीज करें तो क्या होगा, डिस्टेंस को इतने टाइम्स चेंज करेंगे तो क्या होगा। ये सारे क्वेश्चंस आप एक बार दिमाग में रखें और इसको एक बार नोट कर लें, इसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। So let us now try a question. ये कूलम्स लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन हम कूलम्स लॉ के करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा है, फाइंड द रेशियो ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स मतलब कूलम फोर्स, फाइंड द रेशियो ऑफ ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रिक फोर्स। और राइट, क्या है ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन Between two electrons. देखिए, इलेक्ट्रॉन के बारे में आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनके पास चार्ज भी है और मास भी है। तो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, सपोज करें ऐसे, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों एक दूसरे से कुछ स्मॉल आर डिस्टेंस से सेपरेटेड है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स चूंकि इनके पास चार्ज है तो इसीलिए इनके एक दूसरे के ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगाएंगे, और ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके पास कुछ मास है इसलिए एक दूसरे के ऊपर कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फोर्स, पहले हम इसके लिए कुछ वैल्यूज आपको चाहिए। सो व्हाट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है उसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। ऑलराइट, और जो मास है ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वो मास हमारा होता है
9.1 into 10 raised to the power minus 31 kg. So now what you have to do is ke jo electric force, wo electric force hamara kya hota hai, k q1 q2 upon r square. Acha ye hamara ho gaya equals to k. देखिए पहला जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर चार्ज है q और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर भी चार्ज है q, तो q1 की जगह भी q और q2 की जगह भी q, तो q into q हमारा हो गया q square divided by r square. और वैसे अगर हम इन दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स निकालें तो वो हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू g into पहले इलेक्ट्रॉन का मास m, दूसरे इलेक्ट्रॉन का मास m, तो m into m, m square. सॉरी पहले मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर. तो ये आपको हो जाएगा जी एम इंटू एम एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. अब आपको जो कि रेशियो कह रहा है फाइंड करने को, सो देयरफॉर हम इन दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे से डिवाइड कर दे रहे हैं. सो डिवाइड करने पर हमारा क्या आ गया, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. आर से आर कट जाएगा हमारा, ये हमारा बचता है k q square upon g m square. So now let us, अब हमें क्या करना है, अब हमें इन सारे values, इन सारे quantities की values put करनी है और इस ratio को find करना है. So k की value कितनी है, अभी हमने देखा था 9 into 10 raised to the power 9. q की value कितनी है, हमने लिखा है 1.6 into 10 raised to the power minus 19. q स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर कर देंगे, डिवाइडेड बाय कैपिटल g की वैल्यू कितनी होती है 6.67 into 10 raised to the power minus 11 मल्टीप्लाइड बाय m की वैल्यू है 9.1 into 10 raised to the power minus 31. तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आपको मिलेगा द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल्स टू 10 raised to the power 42 अप्रोक्सीमेटली इतना मिलेगा. तो अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स को इधर ले जाऊं, दैट मींस कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल्स टू 10 रेज टू द पावर 42 मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स. यानी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमें मिल रहा है यहां पर. देखिए ये इक्वेशन आपको बता रहा है कि जितना भी ग्रेविटेशनल फोर्स इन दो इलेक्ट्रॉन के बीच में एक्ट कर रहा है, अगर उसे आप 10 रेज टू द पावर 42 से मल्टीप्लाई कर तब जाकर, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स को इतने बड़े नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे तब इलेक्ट्रिक फोर्स निकल कर आएगा. कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब हुआ कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू से इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू 10 रेज टू द पावर 42 टाइम्स ज्यादा है. यानी 1 करोड़ इंटू 1 करोड़ इतने टाइम्स इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा है. So, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक फोर्स दो इलेक्ट्रॉन के बीच में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो वीक है. ऐसा ही होता है एक्चुअली में, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो वीकेस्ट फोर्स है ऑफ ऑल फंडामेंटल फोर्सेस. ग्रेविटेशनल फोर्स वीकेस्ट फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपेरिजन में कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. सो देयरफॉर एक दो बातें और इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में आप देख सकते हो. एक तो एक चीज आप नोट करें कि इलेक्ट्रिक फोर्स की जो बात हमने की थी, तो इलेक्ट्रिक फोर्स नेचर में अट्रैक्टिव होता है और रिपल्सिव भी होता है. यानी कि अगर सेम नेचर के चार्जेस हैं तब वो रिपल्सिव हो जाएगा और ऑपोजिट नेचर के चार्जेस हैं तो अट्रैक्टिव हो जाएगा. लेकिन अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स हर कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव होते हैं. सो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों होते हैं, वही ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ और सिर्फ नेचर में अट्रैक्टिव होते हैं. इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में, और वो बात यहीं पर दिख रही है, इलेक्ट्रिक फोर्स का कॉन्स्टेंट जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कॉन्स्टेंट से कई गुना ज्यादा बड़ा है. ग्रेविटेशनल फोर्स का कॉन्स्टेंट 10 रेज टू द पावर माइनस 11 वेरी स्मॉल नंबर, और इलेक्ट्रिक फोर्स 10 रेज टू द पावर 9 जो कि एक बहुत लार्ज नंबर है. सो इसे नोट डाउन कर लें, वी विल डू वन मोर क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक. ओके, तो आई होप आपने इसे नोट कर लिया है पॉज करके.
अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक चार्ज है और उस चार्ज को हम दो हिस्सों में बांट दे रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं, और डिवाइड करने के बाद उन दोनों चार्जेस को हम एक दूसरे के पास रख रहे हैं कुछ इस तरीके से कि उनके ऊपर मैक्सिमम फोर्स लग रहा है। तो क्या होनी चाहिए उन दोनों चार्जेस की वैल्यू? एक चार्ज लिया, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो जो पहला पार्ट है उसकी वैल्यू कितनी हो गई, दूसरे पार्ट की वैल्यू कितनी हो गई? ताकि कंडीशन क्या दिया हुआ है कि आपको वैल्यूज फाइंड करनी है ये समझकर कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो मैक्सिमम है। तो मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर टू। तो कह रहा है कि अ चार्ज स्मॉल क्यू इज डिवाइडेड, एक स्मॉल क्यू चार्ज है, इसे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं दो पार्ट्स में, इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स सच दैट, एक चार्ज स्मॉल क्यू है, इसे हम डिवाइड कर रहे हैं दो पार्ट में, सच दैट फोर्स बिटवीन देम, यानी दोनों चार्जेस जो हमने डिवाइड किए हैं उनके बीच का फोर्स जो है वो मैक्सिमम, फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम। तो कह रहा है कि फाइंड बोथ द चार्जेस, फाइंड बोथ द चार्जेस। तो अब जरा सॉल्यूशन निकालते हैं। देखिए, सपोज करें कि हमारे पास एक स्मॉल क्यू चार्ज, इस स्मॉल क्यू चार्ज को मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूं। एक मैं कह दे रहा हूं Q1, और दूसरा जो है उसे मैं कह दे रहा हूं Q-Q1। और एक स्मॉल क्यू चार्ज था, दो पार्ट में डिवाइड किया, एक Q1 है और दूसरा Q-Q1। अब इन दोनों चार्जेस को मान लो, क्योंकि हमें पॉइंट चार्जेस का डील करना है, तो इन दोनों चार्जेस को जो इसे हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, इस चार्ज को उठाकर मैंने यहां रख दिया और इस चार्ज को उठाकर मैं यहां पर रख दे रहा हूं Q-Q1, और मान लेते हैं कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो x है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ये दोनों चार्जेस हैं, इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स है वो मैक्सिमम है, तो उस मैक्सिमम फोर्स का कंडीशन को फॉलो करके हमें इन दोनों की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि फॉर मैक्सिमम फोर्स, किस चीज के लिए? मैक्सिमम फोर्स के लिए, मैक्सिमम फोर्स के लिए हमें करना क्या है कि हम इन चार्जेस को, जो चार्ज है इसे हम लोग, जो दो चार्जेस हमारे पास हैं उसके लिए मैक्सिमम फोर्स के लिए हमने एक कंडीशन पढ़ा था मैथमेटिक्स में, जब आप मैक्सिमम मिनिमम पढ़ रहे थे, तब मैक्सिमम मिनिमम में आप क्या पढ़ोगे कि अगर कोई भी फैक्टर को आपको मैक्सिमम फाइंड करना है तो उस फैक्टर को आप डिफरेंशिएट कर दो, यानी कि यहां पर फोर्स मैक्सिमम है तो फोर्स को हम डिफरेंशिएट कर देंगे, और डिफरेंशिएट करने पर हमें जो फोर्स है उसका डिफरेंशियल अगर वो जीरो के बराबर मिलता है, दैट मींस कि फोर्स हमारा मैक्सिमम है। तो यहां पर आप नोटिस करें कि जो भी फोर्स लग रहा है वो फोर्स किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, x के ऊपर तो डिपेंड नहीं करे क्योंकि इन दोनों चार्जेस के बीच की जो दूरी है वो कांस्टेंट है, फिक्स है, तो x के ऊपर तो डिपेंड नहीं करेगा। अच्छा, ये जो स्मॉल q चार्ज है ये भी तो एक कांस्टेंट फैक्टर है, इसके ऊपर भी डिपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन q1 जो है इसकी वैल्यू को हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज करें q की वैल्यू 10 है, तो अगर मैं q1 को 5 रखूंगा तो ये 10-5 ये भी 5 हो जाएगा, अगर मैं Q1 को 4 रखूंगा तब ये 6 हो जाएगा, अगर Q1 को मैं 2 रखूंगा तब ये 8 हो जाएगा। यानी अगर मैं Q1 को बदलता हूं तब इन दोनों चार्जेस की वैल्यू चेंज हो जाएगी और तब इनके बीच का फोर्स चेंज हो जाएगा। दैट मींस कि फोर्स किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है? इस Q1 के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो जिस फैक्टर के ऊपर फोर्स डिपेंड करेगा उसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे। सो देयरफॉर हमें क्या कंडीशन फाइंड करना है? df अपॉन dq1, ये हमारा जीरो के बराबर होना चाहिए। ऑलराइट, तो अगर ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाई होता है तो उस केस में जो मैक्सिमम फोर्स हमारा, अगर जीरो डिफरेंशियल इसका अगर होता है, तो उस केस में
अगर हम पुट करके और सॉल्व करें तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। सो देयरफॉर आप एक बार कोशिश करें कि क्या फोर्स इनके बीच में लग रहा है, आप जरा फाइंड आउट करके इसे सॉल्व करें, यू विल गेट द वैल्यू। मैं एक मिनट का आपको टाइम देता हूं, आप जरा खुद से ट्राई करें एंड देन वी विल कम बैक टू दिस। ओके, तो ऐसा कोई बहुत डिफिकल्ट था नहीं, ये बहुत सिंपल था। देखिए ये Q1 चार्ज हमारे पास है, Q माइनस Q1। सबसे पहले तो फोर्स बिटवीन दीज चार्जेस हमें निकाल लेते हैं, फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q माइनस Q1, इनके बीच का जो फोर्स है वो कितना हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा इक्वल्स टू K इनटू Q1 मल्टीप्लाइड बाय Q माइनस Q1 डिवाइडेड बाय इनके बीच की जो दूरी है उस डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं K, अगर मैं ब्रैकेट हटाऊं तो ये हो जाएगा Q1 into Q upon x square minus K Q1 into Q1, यानी Q1 square, ये माइनस साइन ये वाला आया है, upon x square। ये हमारा फोर्स निकल कर आ रहा है और इसी फोर्स को मुझे डिफरेंशिएट करना है, यानी कि df upon dQ1। तो जरा डिफरेंशिएट कर देते हैं, d upon dQ1, और फिर पहले ये नंबर लिखते हैं K Q1 Q upon x square minus, अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा d upon dQ1 of K Q1 square upon x square। Now what you have to do, आप सब डिफरेंशियल जानते होंगे, जितने भी फैक्टर्स हैं, देखिए यहां पर हम Q1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो Q1 को छोड़कर बाकी सारे तो कांस्टेंट हैं, उन सारे कांस्टेंट को हम बाहर निकाल देते हैं, K Q upon x square, तो हमारा क्या बचा, D upon dQ1 of Q1 minus, यहां पर K upon x square हमारा बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा D upon dQ1 of Q1 square। So ये dQ1 upon dQ1, ये तो हमारा 1 के बराबर हो जाएगा। Alright, so therefore what we are getting now is, आप जरा समझे इसको, हमारा यहां पर आ रहा है kq upon x square, हमारा ये आ रहा है kq upon x square, और ये हमारा आ रहा है क्या आएगा, तो d upon dq1 of q1 square, तो q1 square को differentiate करेंगे तो क्या आएगा 2q1, तो ये हमारा आ जाएगा equals to minus 2k, ये हमारा 2kq1 upon x square, और मैंने क्या बोला था कि differential जो हमारा है force का वो 0 के बराबर होना चाहिए। So therefore अब आप यहां से जितने भी terms common ले सकते हैं, k upon x square common ले लेंगे तो हमारा बचेगा q minus 2q1 is equals to 0, और k upon x square को इधर लाएंगे तो ये सारा term 0 हो जाएगा, हमारा बचता है q minus 2q1 is equals to 0, which means कि 2q1 should be equal to q and q1 should be equal to q by 2। और आप नोट करें कि q1 की जो वैल्यू है वो है q by 2, means q1 अगर q by 2 के बराबर है, ठीक है, ये हमारा किसके बराबर है, q by 2, तो दूसरा जो चार्ज है वो हमारा क्या हो जाएगा, q minus q1 की जगह लिख देंगे q by 2, तो q minus q by 2 कितना होगा, तो दूसरा चार्ज जो हमारा है q minus q1, ये भी q minus q by 2, मतलब ये भी q by 2 के बराबर होना चाहिए। तो यहां से हमारा रिजल्ट निकल कर आ रहा है कि अगर हमारे पास कोई भी एक स्मॉल q चार्ज है और उसे अगर हम दो हिस्सों में बांट रहे हैं और हमें अगर कंडीशन चाहिए कि इन पर मैक्सिमम फोर्स लगना चाहिए, तो उस केस में हमें दोनों चार्जेस को इक्वल इक्वल डिवाइड करना होगा, यानी q को q by 2 पार्ट में अगर आप डिवाइड करेंगे तब इनके बीच का जो फोर्स होगा वो मैक्सिमम होगा। सो आप इसे नोट कर लें एक बार और उसके बाद फिर आज की क्लास हम लोग टर्मिनेट करेंगे। ऑलराइट, तो आई होप आपने पॉज करके इसको नोट कर लिए हैं। सो आज हमने कूलम्स लॉ पढ़ा और कूलम्स लॉ से रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल किए। अब अगले लेक्चर में सबसे पहली बात तो कि आप
जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था और जो ये जो लेक्चर था कूलम्स लॉ का, आप इसे रिवाइज कर लेंगे एक बार। और दूसरी बात, अगले लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ दो चार्जेस थे, लेकिन जरूरी तो नहीं कि हर केस में सिर्फ दो ही चार्जेस हो। अगर 50 चार्जेस हो गए तो वहां पर मल्टीपल चार्जेस के लिए जो फोर्सेस हैं वो फोर्स किस तरीके से एक किसी एक चार्ज के ऊपर लगता है बहुत सारे चार्जेस की वजह से इकट्ठे, वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। और उसके बाद हम लोग कुछ 6-7 क्वेश्चंस करेंगे या 6-8 क्वेश्चन करेंगे मल्टीपल चार्जेस के ऊपर, वो भी कूलम्स लॉ ही है लेकिन उसमें एक कंडीशन और जुड़ जाता है, और उसके बाद फिर 6-8 क्वेश्चन हम लोग न्यूमेरिकल्स हम लोग इस पे सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना है। इट्स अ रिक्वेस्ट टू यू कि आप इसे अच्छे से एक बार रिवाइज करें, देन वी विल प्रोसीड इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।